सकीना। आए सकीना, आए सकीना, आए सकीना, आए सकीना। आए सकीना, आए सकीना। सैयद मीर सच्चा साहब का लखनवी साहब की बारगाह में मुल्तवी हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد كتب حسين عليه السلام إلى أخيه محمد الحنفية إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أسير بسيرة جدي وأبي علی ابن ابی طالب صلوات بھیجے محمد اللہ 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 ارباب عزا سوگواران سید الشہداء ماتم داران مظلوم کربلا دن بھر اس سید غریب کی یاد میں اس مظلوم تاریخ کی یاد میں ماتمداری اور عزاداری میں گزارنے کے بعد پروگرام اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ لہذا اس دن بھر کی محنتوں کا اسارہ اور نتیجہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کیوں قربانی دی؟ امام حسین نے کربلا میں آ کر کیوں اپنی جان پیش کر دی؟ نہ خود اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے انصار کے ساتھ، اپنے گود کے بالوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جو نہ ابھی سمجھتے تھے نہ بولنا جانتے تھے۔ اگر امام حسین نے کربلا میں جنگ کے لیے قدم رکھا ہوتا، اگر امام حسین
लड़ाई और जंग के खातिर सरजमीन करबला पर वारिद हुए होते तो साथ में बच्चों को नहीं लाए होते, औरतें साथ में नहीं आई होती, साथ में वो बूढ़े नहीं आए होते। ये इमाम हुसैन के साथ औरतों का आना, बच्चों का आना, बच्चियों का आना, ये पूरे फैमिली के साथ इमाम हुसैन का मैदान करबला में आ जाना बय्यन सबूत है कि हुसैन जंग के लिए नहीं आए थे। और हम जब तारीख देखते हैं तो हमारे सामने वो शख्सियत जिसे करबला के वास्ते ज़खीरा किया गया था, वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसे करबला के लिए फराहम किया गया था, हे मेरे भाई अकील मशवरा देना, मैं चाहता हूँ हमारी औलाद में एक ऐसा फर्जंद हो, एक ऐसा शुजा हो जो हुसैन की मुसीबतों में काम आ सके। आप तसव्वुर कीजिए, मौलाए कायनात ने कब से प्लानिंग की थी करबला के वास्ते, कब से एहतमाम किया था हुसैन की नुसरत के वास्ते। वो बच्चा परवरिश पाकर उस बच्चे ने आगोश अमीरुल मोमिनीन में तरबियत पाई और ऐसा बहादुर और ऐसा शुजा बच्चा था कि तारीख लिखती है जंगे सफीन में जब अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलाया है तो उस वक्त सामने लश्कर के सरदार ने इब्ने शाशा को बुलाया था और इब्ने शाशा से कहा था कि इसका मुकाबला करो, तो इब्ने शाशा ने कहा था ए अमीर तू मुझे उस बच्चे के मुकाबले में भेज रहा है जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है, मैं 1000 बहादुरों के मुकाबले में अकेला काफी हूं, इस बच्चे की क्या औकात है। लेकिन दुश्मनों का सरदार अच्छी तरह से जानता था, यजीद का बाप बहुत अच्छी तरह से समझता था कि ये कौन सा बच्चा मैदान में आया है। उसने कहा तू जाकर मुकाबला तो कर, तो इब्ने शाशा ने कहा मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जगह पर अपने बेटों को भेजता हूं। इब्ने शाशा के 7 जवान पहलवान बेटे थे जो मैदान सिफीन में आए थे, इब्ने शाशा ने अपने एक बेटे को भेजा, अब्बास ने जंग की वासिल जहन्नम किया, दूसरे बेटे को भेजा, अब्बास ने लड़ाई की वासिल जहन्नम किया, तीसरे बेटे को भेजा, अब्बास से जंग हुई वासिल जहन्नम हुआ। कहते हैं 6-7 जब सातों बेटों को इब्ने शाशा के 7 बेटों को हजरत अब्बास ने मुकाबले में आने पर मार कर वासिल जहन्नम कर दिया, तब तिल मिला कर अपने खेमे से निकल कर इब्ने शाशा आया और उसने आकर हजरत अब्बास से मुखातिब होकर कहा ए बच्चे तूने मेरे 7 बेटों को मार दिया, मैं तुझसे बदला वसूलता हूं। लेकिन एक मर्तबा अब्बास ने ऐसा वार किया कि इब्ने शाशा भी वासिले जहन्नम हो गया। आप तसव्वुर कीजिए जिसको करबला के लिए ज़खीरा किया गया हो, जिसकी शुजाअत का ये आलम हो कि 12 और 11 साल की उम्र में इतना बहादुरी का मुजाहरा किया हो, उसके लिए कितना सख्त रहा होगा करबला में। हमारे दरमियान हजरत अब्बास की जब फजीलतों का तस्करा किया जाता है, चूंकि यहाँ पर हमारे दरमियान हजरत अब्बास अबुल फजल अब्बास से मंसूब आलम मौजूद है, लिहाजा दिल चाहता है थोड़ा देर हजरत अब्बास का तस्करा कर लिया जाए। हजरत अब्बास के फजाइल में हम किस चीज़ का सबसे ज़्यादा तस्करा करते हैं, सबसे ज़्यादा हजरत अब्बास की सबसे बड़ी फजीलत क्या है, मैं जवानों से पूछूंगा कौन सी फजीलत है जिसे हजरत अब्बास से मंसूब जिक्र किया जाता है। अगर हम पूछते हैं तो बच्चे ये जवाब देते हैं हजरत अब्बास बावफा थे, हजरत अब्बास शुजाअतमंद थे, हजरत यानी सक्का थे, ये तमाम सिफतों का तस्करा हजरत अब्बास के साथ जोड़कर पेश किया जाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, इस बात को याद रखना अब्बास की फजीलत, अब्बास की सबसे बड़ी फजीलत न उनकी वफादारी थी, न उनकी शुजात थी, न उनकी बहादुरी थी, अब्बास की सबसे बड़ी फजीलत वो थी, सबसे अहम फजीलत वो थी जिसको इमाम जाफर सादिक ने ज़ियारत के दरमियान जिक्र किया है, ए अब्द सालेह, ए अल्लाह के नेक बंदे जिसने अल्लाह की इताअत की, रसूल की इताअत की और अपने इमाम की इताअत की। सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ा कमाल यह था कि हजरत अब्बास ने अपने इमाम वक्त की इताअत की थी। हाथ में ताकत न हो, बाजू में ताकत न हो और इंसान कुछ न करे तो ये कोई कमाल नहीं है।
इंसान कुछ कर ना सकता हो, मेरे हाथ में सलाहियत ना हो, मुझे कुछ ना करना आता हो, मैं कहूँ कि मैंने किसी के साथ जुल्म किया ही नहीं, भाई तुम्हारे पास सलाहियत ही नहीं थी तो करते क्या। लेकिन जिसको करबला के लिए जखीरा किया गया हो, जिसकी बहादुरी का ये आलम हो कि इब्ने शाशा जैसे बहादुर के सात जवानों को वासिले जहन्नम करने के बाद खुद इब्ने शाशा को भी वासिले जहन्नम कर दिया हो, इतना बहादुर हो, इतना बहादुर हो, लेकिन हर मरहले पर अपने आका से जाकर पूछता है, मौला क्या इजाजत है कि जाकर के इनको इनके मुकाबले में लड़कर, इनके मुकाबले में मुकाबला करके पानी फराहम कर लिया जाए, मौला क्या जंग की इजाजत है। लेकिन हर जगह पर हुसैन हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ कर रोक लेते हैं। किसी जगह पर अब्बास ने बढ़कर यह नहीं कहा, मौला आखिर फिर किस दिन के लिए हमें रखा था, मौला आखिर मुझे क्यों लेकर के आए थे। नहीं, किसी जगह एक हर्फ, एक फिक्रा, एक जुमला, एक इशारा ऐसा नहीं दिया जिससे ये महसूस हो कि अपने ईमान की इताअत से पीछे हैं। तो सबसे बड़ा कमाल, सबसे बड़ा कमाल अबुल फजल अब्बास का ये है कि उन्होंने अपने इमाम की इताअत की, अपने इमाम की ताबेदारी की, और यही सबसे बड़ा अब्दियत और बंदगी का कमाल है। हम अगर अब्बास के चाहने वाले हैं, हम अगर हुसैन के आज़ादार हैं, हम अगर जैनब की बेरदाई का मातम करते हैं, हम अगर उम्मे कुलसूम के नंगे सर पर आंसू बहाते हैं, हम अगर सकीना की बेकसीरी और यतीमी का मातम करते हैं, तो हमें चाहिए सबसे पहले हुक्म परवरदिगार की इताअत करें, फिर हुक्म अइम्मा की इताअत करें, फिर उस पैगाम सैयद शुहदा को पहुँचाने में मददगार बनकर वाकई उनकी इताअत करें। यही असली आज़ादारी है और यही आज़ादार की पहचान है। सलावात भेज दे बड़ा मोहम्मद। इमाम हुसैन ने फरमाया, इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरा। ये कोई सैर व तफरीह का सफर नहीं है जिसके खातिर निकल रहे हैं। इमाम हुसैन माज़ल्लाह ये अपनी फैमिली के साथ कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं निकल रहे थे। वला मुफसिदम वला जालिमा, मैं मदीने से निकल रहा हूं लेकिन फसाद फैलाने के लिए नहीं निकल रहा हूं, मैं मदीने से निकल रहा हूं लेकिन जुल्म और सितम करने के लिए नहीं निकल रहा हूं, मैं तो उसका बेटा हूं जिससे आकर किसी ने पूरी हुकूमत पेश करने की बात की तो कहा कि मेरे लिए अगर कोई आकर कहे कि चींटी के मुंह से जौ की छाल का वो छोटा सा टुकड़ा अलग करके जुल्म कर दो और मुकाबले में पूरी दुनिया की हुकूमत दे देंगे, तब भी हम इस जुल्म के लिए तैयार नहीं हैं। हुसैन अमनियत का पैगाम लेकर निकल गए। हुसैन ने अमनियत का पैगाम दिया था, हुसैन ने सुकून और आफियत का पैगाम दिया था, हुसैन ने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का पैगाम दिया था, हुसैन ने जुल्म का पैगाम नहीं दिया था। हुसैन ने न जुल्म किया था और न जुल्म बर्दाश्त किया था। हुसैन ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई होती, अगर हुसैन मजलूम ना होते, तो हुसैन अपने साथ सिपाहियों को, जंगजुओं को लेकर आए होते, ये छोटे छोटे बच्चों को नहीं लाए होते, उस कमसिन बच्चे को लेकर नहीं आए होते जो अभी माँ की आगोश में है, जो शीरखार है। और न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे जो इमाम हुसैन के साथ आए थे। इन्नी लम मखरुज अशरम वला बतरा वला मुफसिदम वला जालिमा। फिर मौला बताइए आखिर आप इस सफ़र को क्यों इख्तियार कर रहे हैं, ये मदीना क्यों छोड़ रहे हैं, ये नाना का मज़ार क्यों छोड़ रहे हैं, ये माँ की लहद क्यों छोड़ रहे हैं, ये भाई की कब्र से क्यों जुदा हो रहे हैं, उस शहर से क्यों जुदा हो रहे हैं जहाँ की ज़मीन आपको पहचानती है, जहाँ की दीवारें आपसे आशना हैं, मेरे मौला आखिर मदीने से क्यों निकल रहे हैं। तो फिर हुसैन ने कहा, बल इन्नमा खरजतु लितलबिल्लिस्लाह फी उम्मत जद्दी। बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नाना के उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि अपने नाना के उम्मत की इस्लाह करूँ, बेदीनी को ख़त्म करूँ, बेहयाई को ख़त्म करूँ, बेमजहबियत को ख़त्म करूँ, वाकयान उस पैगाम को आम करूँ जिस पैगाम को लेकर मेरे नाना आए थे, उस पैगाम को आम करूँ जिस पैगाम को लेकर के मेरे बाबा आए थे, जिस पैगाम के खातिर मेरे नाना ने जहमतें बर्दाश्त की, जिस
इस्लाम की खातिर रसूलुल्लाह ने मुसीबतें बर्दाश्त की, सख्तियाँ झेली, इतनी सख्तियाँ झेली कि कोई नबी इतनी सख्तियाँ झेलने वाला नहीं नज़र आता। और मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन ने उन मसाइब का सामना किया, कि कोई दूसरा तारीख में ऐसा मज़लूम तारीख नहीं मिलता कि कुएं के अंदर सर झुकाकर पानी में अपनी शक्ल देकर कहे अली तेरी फरियाद सुनने वाला इस दुनिया में कोई बाकी नहीं रहा। मैं इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा मकसद, मेरा हदफ अमन है, आश्ती है, सुलह है, नेकियाँ आम करना है, बुराइयाँ रोकना है, खराबियाँ ख़त्म करना है, अच्छाइयाँ पहुँचाना है। हम सिर्फ इस मकसद के खातिर आए हैं। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान गिरामी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि इमाम हुसैन की शख्सियत इंसानियत साज शख्सियत है। इमाम हुसैन की शख्सियत इंसानियत से ऐसी जुड़ी हुई है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे मुल्क में हम देखते हैं हर मज़हब, हर मिल्लत, हर फ़िरका, हर मसलक बढ़कर के हुसैन की अज़ादारी करता है। क्यों? इसीलिए तो कि हुसैन ने वो पैगाम दिया था जो आलम इंसानियत के वास्ते था। लिहाजा हम सबको चाहिए कि उस पैगाम पर सही तरीक़े से अपनाएँ और अपना कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। बल इन्नमा खरज तो लितलब इस्लाह की उम्मत जद्दी, मैं सिर्फ इसलिए खारिज हुआ हूँ कि अपने नाना के उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। बस अज़ीज़ाने गिरामी, ये पैगाम था, ये वो वाकई पैगाम था, हकीकी पैगाम था जो मासूम ने अपने वसीयतनामे के शक्ल में अपने भाई मोहम्मद हनफिया के नाम लिखकर मदीने से निकलते हुए हवाले कर दिया था। लिहाजा अब हमें कोई बहस करने की गुंजाइश नहीं, अब हमें कोई बात करने की गुंजाइश नहीं कि इमाम हुसैन ने शहादत क्यों दी थी। इमाम हुसैन ने शहादत इसलिए दी थी कि उम्मत की इस्लाह हो जाए। मैंने अपनी कुर्बानी इसलिए दी है ताकि नमाज कायम हो जाए। इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी नमाज कायम करने के लिए। हम नहीं बता रहे हैं, ये खुद इमाम हुसैन बोल रहे हैं, इससे बेहतर और कौन बता सकता है। और पैगाम दिया है, आखिर तक पैगाम दिया है, ये नमाज कायम करना इसी को कहते हैं कि जाकर के जरा बता दो कि नमाज कायम होने जा रही है। वो अकेले उधर नमाज पढ़ेंगे या इधर आकर पढ़ेंगे? यानी नमाज तो इमाम हुसैन खुद भी पढ़ सकते थे, तन्हा भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये मैसेज दे करके नमाज कायम होने जा रही है। लिहाजा हमारी आज़ादारी, हमारी मातमदारी हुसैन के पैगाम के ख़िलाफ़ ना जाए। हमारी सोगवारी, हमारा जुलूस, हमारा मातम नौहा कोई भी पैगाम हुसैनी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। वाकई आज़ादारी यही है। अज़ीज़ाने गिरामी, बस मैं अपनी बात को समेटते हुए आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वो अय्याम हैं, ये वो दिन हैं जिसमें अहले बैत अत्हार का ये लुटा हुआ काफिला सख्त तरीन मनाजिल से गुज़रता हुआ करबला पहुँचने वाला है। बहुत कम रिवायतों ने ऐसा जिक्र किया है कि उसी साल अरबईन पर सैयदुश्शुहदा का लुटा हुआ काफिला करबला वापस आया। ज़्यादातर रिवायतों ने लिखा है कि अगले साल यानी 62 हिजरी में इमाम हुसैन का काफिला सरजमीन करबला पर 20 सफर को पहुंचा है। इसके दरमियान कौन कौन सी मुसीबतें गुजर गईं, कैसे कैसे मसाइब व आलाम झेलना पड़ा, कहाँ से जिक्र करूँ और किन बातों का तस्करा करूँ। एक दो तस्करे और उसके बाद जहमत तमाम। कहते हैं जब करबला से ये काफिला निकल रहा था, अहले बैत अत्हार का ये काफिला निकल कर कूफे की जानिब रवा दवा था कि एक मरतबा काफिले को रोक दिया गया। और जब काफिले को रोक दिया गया तो ये रुके हुए काफिले को पूरा एक दिन गुजर गया। जैनब ने बढ़कर पूछा आखिर काफिला क्यों रोक दिया गया है। कहा दरबार सजाए जा रहे हैं, बाग़ात की आराइश हो रही, कुर्सी नशीनों का इंतजार हो रहा ताकि आप सबकी तशहीर की जा सके। ज़ैनब ने कहा आओ बीबियों, मैं बद्दुआ करती हूं, तुम सब आमीन कहना। एक गले में 12, एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए। बीबियां जमा हो गईं,
सबने अपने हाथ उठाए, जैनब चाहती है बद्दुआ करे कि एक मर्तबा जैनब के कानों से जंजीरों के खनकने की आवाज सुनाई दी। अब जो पलट कर देखा, सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां बंधी हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। कहा, खुफी अम्मा मैं बद्दुआ करने से नहीं रोकता, लेकिन जरा बाबा के सर को तो देखें। अब जो कटे हुए सर पर निगाह डाली, हुसैन के आंखों से आंसू जारी थे। ए जैनब, इसी आलम में दरबारों और बाजारों में चली जाओ। ए मेरी बहन, ये मंजिले इम्तिहान है, मंजिले सब्र है, सब्र करो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा न रोला सिवाय गमे सय्यदुश्शुहदा। अज़ादारो, इमाम मज़लूम का ये लुटा हुआ काफिला कूफे के बाजारों से गुजर रहा है, और जब बाजारों से गुजर रहा है, आलम ये है कि खुले हुए ऊँट पर बग़ैर मकनौ चादर बे महमिल ऊँटों पर बिठा कर औरतों को रस्सी से जकड़ दिया गया है। और वो ऊँट के जिस पर बीबी जैनब बैठी हैं, उस ऊँट की मिहार सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा की ऊंट की मिहार सय्यदुस्साजदीन के हाथ में कर दी जाती है। इसी बुनियाद पर तो जब मिनहाल ने कहा था, मौला शहादत तो आपकी मीरास है, तो इमाम ने क्या कहा था? यही तो कहा था, मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया, अगर शहादत मेरी मीरास है तो क्या यह भी मेरी मीरास है कि खुले हुए ऊंटों पर बिठाकर बेमहमिलों का जावा बेमकनौ चादर मेरी भाग की बहुओं को बहनों को ले जाया जाए और मेरे हाथ में उन ऊंटों की मिहार दे दी जाए। जनाब जैनब के ऊँट की मिहार उस वक्त सय्यदुस्साजदीन के हाथ में थी। सय्यदुस्साजदीन से आकर मैं बाजार कूफा में किसी शेख किसी बुढ़े इंसान ने आकर पूछा, ए इमाम, ए फरजंदे रसूल, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई सिर्फ इतनी मदद कर दो कि ये तमाशा बीनों का मजमा, इनके लिए कटे हुए सरों से आवाज आना अजूबा बात है। मेरे बाबा का सर उन्हों के नेजा पर तिलावत कलामुल्लाह कर रहा है। नेजा बरदारों को जाकर कुछ रकम दे दो कि वो उन नेजों को लेकर बीवियों से दूर चले जाएं, ताकि तमाशाबीन आगे चले जाए और इन तमाशाबीनों की निगाहें मेरी मां कबीलों के खुले हुए सर पर ना पड़े। अजरकुम अल्लाह, खुदा न रोला सिवाय गमे सय्यदुश्शुहदा। अज़ादारो, ये काफिले आले मोहम्मद सख्त तरीन मंजिलों को तय करते करते एक वो भी मंजिल आती है, एक वो भी वक्त आता है कि जब दरबार शाम में ले जाकर इन असीरों को खड़ा कर इन बीवियों को खड़ा कर दिया जाता है। हाथ में रस्सियां बंधी हुई, गले में रस्सी बंधी हुई है, तसव्वुर कीजिए, औरतों के हाथ को गर्दन के पीछे रखकर बांध दिया जाए, और इस तरीके से एक रस्सी में 12 गले बीवियों को इस आलम में लेकर दरबार यजीद में पहुंचते हैं और मुनादी में दा देता है, हाजी बना तो रसूलुल्लाह, ये रसूल की नवासिया है, ये अली की बेटिया है, ये फातिमा की जानिया है, अरे ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये दरबार में ले जाकर बीबियों को खड़ा कर दिया। यजीद अपने तख्त पर बैठकर, अपनी मसनद हुकूमत पर बैठकर हुसैन मजलूम के दाहने अक्दस की बेहरमती कर रहा है। हुसैन के लब पर छड़ियों से हद के हुरमत कर रहा है। और बीवियां ये मंजर देख रही हैं कि एक वो मंजिल आती है कि यजीद की निगाह एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। सकीना को बुलाना चाहा, बीवियों ने घेर लिया।
जब यजीद ने महसूस किया बुला ना पाएंगे, कहा सकीना सुना है तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता था, सकीना सुना है तू बड़ी अपने बाबा की चहेती बेटी थी, अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी, ले रे कष्ट को भेजता हो उस पर से नकाब हटा दी, कहा अगर तेरा बाबा चाहता हो उसे बुला ले, कमसिन बच्ची आंखों से आंसू जारी हाथ आसमान की तरफ बुलंद, मेरे बाबा बड़े दुर्रे खाए मेरे बाबा बड़े ताजियाने खाए हैं, अब ताजियाने खाने की सलाहियत नहीं, ए मेरे बाबा मेरी आगोश में हुसैन का सर आगोश में लेकर लिपट गई, ए मेरे बाबा अरे तेरी शहादत के बाद चादरें छिन गई खेमे जल गए, अरे मेरे बाबा अरे तूने जो बुंदे पिनाए थे जालिमों ने उन्हें भी उतारने का मौका न दिया, अरे ऐसा उतारा आज तक कानों से खून जारी है, मातम हुसैन।